हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिडिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्स डिटरमिनेशन। मतलब होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है। देखो, फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत सारे ऐसे वो हैं सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसे आप कहते हो, कि लोग बोल देते हैं कि दवाई ले जाओ लड़का होगा, ये ले जाओ लड़की होगी। लेकिन साइंस इन सब पे बिलीव ना करते हुए अपनी एक थ्योरी रखता है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये कंफर्म होगा कि बच्चा जो है वो बॉय है या गर्ल है। तो जो प्रोसेस है जिससे होने वाले इंडिविजुअल यानी कि बच्चे के सेक्स का पता लगाया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन। तो लिखिए, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड इट्स सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए, कुछ जातियां प्रजातियां कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चे का मेल या फीमेल होना उसके आसपास के माहौल पे, आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंटल फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इस चीज़ में, वो है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इन प्रजातियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो जो टर्टल्स होते हैं, रेप्टाइल्स कैटेगरी में जो आते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनके अंदर जो एग होते हैं, फर्टिलाइज एग जो होते हैं उनके, वो जिस टेम्परेचर पे रखे होंगे वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि अंडे में से निकलने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। कैसे, जैसे टर्टल्स का एग्जांपल लेते हैं, कछुआ जो होता है आपके पास, अगर कछुए के फर्टिलाइज एग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं, गर्मी के कहीं ऐसी जगह रखे होंगे जहाँ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पर उन अंडों में से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो फीमेल्स होंगे, अगर टेम्परेचर हाई है, अगर लो है तो मेल्स होंगे। सिमिलरली लिजार्ड है, छिपकली, उसके फर्टिलाइज एग अगर हाई टेम्परेचर में है तो उनमें से निकलने वाले बच्चे मेल होंगे। देखो, कछुए के केस में हाई टेम्परेचर पे फीमेल, लेकिन छिपकली लिजार्ड के केस में हाई टेम्परेचर पे मेल हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे जीव हैं, स्नेल्स हैं जैसे, इन सबके पास ऐसी काबिलियत है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए होने वाले बच्चे का सेक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इन एनिमल्स में, इन प्रजातियों में जो आपके पास सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन गुण नहीं होता। जेनेटिकली डिटरमाइन गुण का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, बॉय होगा या गर्ल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये सारी बातें इन जानवरों में, इनके पेरेंट्स में नहीं आती। जैसे आपको बताया था ना कि गुण बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स से आते हैं, उसके पेरेंट्स के गुण डिसाइड करते हैं बच्चे की शक्ल में क्या चीज़ किससे मिलेगी। लेकिन इन प्रजातियों में जो आपके साथ अभी डिस्कस की, रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं, इनमें ये गुण जो है वो जेनेटिकली इनहर्टेड नहीं होते, इनके पेरेंट्स इनमें नहीं आते। ये किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, मानव जाति की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये जो सेक्स डिटरमिनेशन वाला कंसेप्ट है कि बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की, वो जेनेटिकली इनहेरिटेड है, यानी कि वो उन जीन्स पे, उन गुणों पे डिपेंड करता है जो उस बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स के थ्रू आते हैं।
यानी कि जो पेरेंट्स के जीन है वही आपको ये बताएंगे कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को बोला जाता है डीएनए का एक पार्ट जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एक पेरेंट से बच्चे में गया है क्रोमोसोम का पेयर, तो यानी कि इंफॉर्मेशन लेके गया बॉडी के डेवलपमेंट की कि बॉडी में क्या इंफॉर्मेशन जाती है, जो चीजें पेरेंट से बच्चों में जाती है। तो ऐसे 23 पेयर क्रोमोसोम्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से 22 पेयर जो होते हैं 22 पेयर आर सेम इन मेल एंड फीमेल। 22 पेयर तो दोनों में एक जैसे से होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं ऑटोसम भी बोल देते हैं। ऑटोसम का मीनिंग है कि सेम, क्रोमोसोम को ऑटोसम बोल दिया कि 22 तो दोनों में सेम है, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, और यही 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि यही पेयर जो है वो ये डिसाइड करता है कि होने वाला बच्चा जो है वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब मैं आपको बता दूं, मेल के पास जो 23rd क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें दो गुण होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, जबकि फीमेल के पास जो 23rd पेयर होता है उसमें दोनों ही गुण क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये 23rd पेयर की बात हो रही है, 22 पेयर तो दोनों में सेम है, इन्हीं पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब मेंडल्स ने आपको ये बोला कि मेंडल के अकॉर्डिंग जब कोई बच्चा होता है तो उसमें 50% गुण मेल के जाते हैं और 50% किसके जाते हैं, फीमेल के जाते हैं, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। इक्वल का मीनिंग है कि दो है तो दो में से 50% का मीनिंग होता है एक। अगर मेल ने एक्स दिया अपने दोनों गुणों में से, अगर उसने एक्स गुण बच्चे को दे दिया तो फीमेल में भी दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन फीमेल में दोनों ही एक्स हैं तो एक्स ही आएगा। मान लीजिए फर्स्ट वाला एक्स आ गया तो टोटल गुण कौन क्या हो गए, एक्स एक्स, इधर से भी एक्स और उधर से भी एक्स। ये वाला गुण किससे मैच खाता है, मेल से या फीमेल से, तो डबल एक्स किससे मैच खाता है, फीमेल से। तो यानी कि जो होने वाला बच्चा है न्यू बॉर्न वो क्या होगा, गर्ल होगा। अगर मेल ने अपने 50% में वाई कंट्रीब्यूट किया और इधर से एक्स की तरफ से तो फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आएगा, तो ये एक्स वाई किसके साथ मेल खाया, इसके साथ, दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब है जो होने वाला बच्चा है वो क्या होगा, बॉय होगा। इस तरीके से डिपेंड करता है। तो पहले हम इन चीजों को लिख लेते हैं। देखिए इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है हमारे पास इन ह्यूमन बीइंग, देयर आर 23rd पेयर ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच ओनली वन पेयर इज एक ही पेयर ऐसा है जो आपको ये बताएगा कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बाकी 22 के 22 सेम होते हैं। अ मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, वेयर अ फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास दोनों ही क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये है हमारे पास थ्योरी। अब मेंडल के अकॉर्डिंग सो बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली, ये मेंडल ने कहा
कि दोनों पेरेंट्स जो है वो इक्वल योगदान देते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। हेंस क्या कंक्लूजन आया, चाइल्ड हैविंग एक्स एक्स पेयर विल बी गर्ल, चाइल्ड हैविंग एक्स वाई पेयर विल बी बॉय एंड चाइल्ड हैविंग एक्स एक्स पेयर विल बी गर्ल। ये चीज हमने यहां से निकाली। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो फीमेल के क्रोमोसोम है ये होमोजेमेट्स हैं। होमोजेमेट्स का मीनिंग ये है कि दोनों जो गुण है, दोनों जो पार्ट है वो सेम है, जबकि मेल का जो 23rd पेयर है वो अलग अलग है, तो इनको हेट्रोजेमेट्स भी बोलते हैं। जेमेट्स का मीनिंग यहाँ पर जीन्स के पार्ट में आ जाता है। तो ये सेम है तो होमो वर्ड लगा दिया, अलग है तो इनको हेट्रो वर्ड लगा दिया। लेकिन एक चीज जो यहाँ से क्लियर हो जाती है, जो आपके माइंड में आपको रखनी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये कि इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि नए बच्चे का सेक्स, यानी कि नया बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड करता है फादर पे, मदर पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मदर की तरफ से ऑलवेज 50% कॉन्ट्रीब्यूशन में एक ही टाइप आ रहा है, एक्स और एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएशन नहीं है, तो मदर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है। फादर के क्रोमोसोम ये डिसाइड करेंगे कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ से तो एक्स ही आना है, डिफरेंस आना है यहाँ से। अगर फादर की तरफ से एक्स गए तो वो गर्ल, और फादर की तरफ से बॉय गए तो वो बॉय। तो अगर वन मार्क्स में आपसे पूछा जाए कि किस पे टोटली डिपेंड करता है, किसके क्रोमोसोम्स पे, मेल या फीमेल के, तो आंसर होगा मेल। और या फिर आपको ये भी कह सकते हैं होमोजेमेट्स पे या हेट्रोजेमेट्स पे, तो हेट्रोजेमेट्स मेल के ही होते हैं, तो आपको उसमें भी याद रखना है। तो ये हमारे पास टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो आपने समझा। और ये टेबल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लो डायग्राम से, ये आपको जरूर बना के दिखाना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।